أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear candidates welcome to online recruitment. आज से हम थोड़ा सा फोकस करेंगे ताकि जो है आज दिन कम हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो लोग अभी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हम पिछले कोर्सेज के पहले ही जो है रीड कर लें, ताकि जब ये कोर्स स्टार्ट होगा इंशाल्लाह 20 तारीख से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो 20 तारीख से इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हर दिन आपको उस दिन के तमाम सिलेक्शन सेंटर्स के जहाँ जहाँ से मुझे मिलेंगे इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। मेरी कोशिश पूरी होगी, ठीक है, पिछले कोर्सेज में भी मैं कोशिश करता रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा, आपका पेपर भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन जो है अभी स्टार्ट करते हैं फिर से। दिस इज पार्ट 36, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सी सेपरेटेड ग्रीस एंड इटली? आंसर मेडिटेरियन सी। सेकेंड गजा, जी है जी, गजवा ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंसर बैटल ऑफ ओहद, सेकेंड गजवा, ठीक है। गजवा किसको कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, और जिसमें जिस बैटल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की उसको क्या कहते हैं? सीरिया, ठीक है, या सीरिया, SYSAYRA, कोई इस तरह का स्पेलिंग है, ठीक है। मार्क जकरबर्ग इज़ अ फाउंडर ऑफ, आंसर फेसबुक, सबको पता है ये। विच कंट्री प्रोड्यूस लार्जेस्ट कॉटन? आंसर है इंडिया। अच्छा, लोअर हाउस, आंसर है जी नेशनल असम्बली। मस्जिद जरार किसने बनाई थी? आंसर अबू अमीरुल राहिब। नेक्स्ट जी, लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड, आंसर है मेडियन। एक बार फिर सुने, लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड, आंसर मेडियन। नेक्स्ट जी, ओलंपिक माउंटेन इज इन विच कंट्री? आंसर यूनाइटेड स्टेट, USA। नासा, नासा इज एजेंसी ऑफ, आंसर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वन ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान? आंसर 16 दिसंबर 1971, आफ्टर 24 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। प्रेजिडेंट ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 कौन थे जी? 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजिडेंट, आंसर है अयूब खान। ग्वादर को कासगार रोड लेंथ, सॉरी ग्वादर टू कासगार रोड लेंथ, यह है 2395 किलोमीटर। ग्वादर जो है हमने ओमान से ख़रीदी थी, ठीक है। ब्रदर ऑफ खालिद बिन वलीद, आंसर अल वलीद। करामन खातबीन मीन्स, आंसर टू एंजल्स विद ऑल ह्यूमंस टू रोड देयर गुड एंड बैड डीड्स। नेक्स्ट है, मस्जिद हनीफ इज लोकेटेड इन, आंसर मीना। रेसिटेशन ऑफ फर्स्ट कलमा इज कॉल्ड, आंसर तहलील। ओल्ड नेम ऑफ इस्लाम इज, आंसर दीन हनीफ, ठीक है। नेक्स्ट है, हजरत खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम, आंसर 6th हिजरी। नेक्स्ट है जी, परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये जी सिक्योरिटी काउंसिल, आंसर है 5। कौन से हैं परमानेंट मेंबर? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटिश, रशिया एंड चाइना। व्हेन सिंध वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश, आंसर 1843। विच सिटी ऑफ पंजाब इज मोस्ट पॉपुलेटेड, आंसर लाहौर। ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़ वाले कह रहे होते हैं कि आज फर्स्ट पे चला गया, सेकेंड पे आ गया लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट है जी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस इज रिटन बाय, आंसर बर्ट्रांड रसेल। नेक्स्ट है जी, द एमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान बुक इज रिटन बाय, आंसर चौधरी रहमत अली। व्हाट इज डायरेक्शनल्स, आंसर स्ट्रेट बिटवीन यूरोप एंड टर्की। अच्छा, अभी स्ट्रेट क्या होता है आपको मैं कमेंट में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा वर्ल्ड मैप वाली वीडियो का, वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको स्ट्रेट बेस और जो मेन मेन चीज़ें हैं लोकेशन वगैरह क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है जी, रोई रिवर इज सिचुएटेड इन, आंसर मोंटाना अमेरिका। नेक्स्ट है जी, बेनजीर वाज असासिनेटेड ऑन, आंसर 27 दिसंबर 2007। कोलंबिया कैपिटल, आंसर बोगोटा। द लेटर लीस्ट यूज इन कुरान इज, आंसर ज़ा। ये आई थिंक 34 या 33 पार्ट में भी ये क्वेश्चन मैंने बताया था। सेकेंड प्रॉफिट वाज, आंसर हजरत शीश अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है, वेयर इज अ बे ऑफ बिस्के, वेस्टर्न एंड साउथर्न यूरोप, स्पेन एंड फ्रांस के बीच। द लेटर मोस्टली यूज इन कुरान इज, आंसर है अलिफ, अलिफ। नेक्स्ट है जी, लॉन्गेस्ट सूरह इन कुरान, आंसर है लॉन्गेस्ट सूरह इन कुरान इज बकरा, और ये है जी लॉन्गेस्ट सूरह इज बकरा, और उसके हैविंग हाउ मेनी वर्ड्स, आंसर 2550 वर्ड्स। नेक्स्ट है, स्मॉलर सूरह इज कौसर, हैविंग 42 वर्ड्स।
नेक्स्ट है जी, सूरह कॉल्ड मदर ऑफ कुरान इज आंसर सूरह फातिहा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अभी मैं डेली दो दो वीडियोस पोस्ट करूं ताकि आपकी तैयारी में मैं जितनी हेल्प कर सकता हूं मैं करूं। ठीक है, और मेरी कोशिश है कि आप तक क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं जो जो लड़के टेस्ट दे के आते हैं और जो जो उनको याद रहते हैं। ठीक है, बाकी आपकी अपनी किस्मत होगी, आपकी अपनी तैयारी होगी। ठीक है, तैयारी ज़रूर करिएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट को हल्का ना लीजिएगा, उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट आपने खुद करनी है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड्स करती है। आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी उतना अच्छा आप पेपर सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जिसने प्रैक्टिस नहीं भी की होगी वो भी वो क्वेश्चंस सॉल्व कर लेगा, लेकिन क्या होगा कि वो टाइम पे सॉल्व नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से वो फेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करिएगा इंटेलिजेंस की, उसमें आपका कॉन्सेप्ट जो है इजीली क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई मसला है उसमें तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको अपने तौर पे जिस तरह मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, और उस तरह मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको बता दूँ। बाकी रही जनरल नॉलेज की बात, जनरल नॉलेज की ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, ये मेन चीज़ है। बाकी भी आप देखें, लेकिन आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। जनरल नॉलेज आप जितना मर्जी पढ़ लें, पेपर में जो आएगा आपको वो नहीं आता होगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंसेस वाले वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके, अच्छा लड़के पूछते हैं कितने परसेंट ये पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी लक पे। अगर एवरेज लगाई जाए तो 30 से 40% तो पक्के इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने एक्सपीरियंसेस काफ़ी सारे पढ़े हैं तो। ठीक है, और ज़्यादा भी आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर लक। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इंटरव्यू और फिज़िकल मेडिकल के लिए तमाम चीज़ें हम वो भी पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं कैसे कैसे, ताकि आप मेंटली भी प्रिपेयर हो और आपकी तैयारी भी हो जाए। और बाकी इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ के एसेज और वो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।